हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग के लिए एक अच्छी खबर है कि जो वन कार्ड है इनके संग पार्टनर कर लिए हैं फेडरल बैंक। आप लोग साइड में देख सकते हैं, अब जो कार्ड है शायद सभी लोग को मिल जाए। क्या है पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेरी आपसे विनती है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, इसे लाइक करके जरूर जाना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी तक वन कार्ड के जो पार्टनर थे, लैंडिंग पार्टनर IDFC फर्स्ट बैंक थे। और पता है कि काफ़ी लोगों को इन्होंने विदाउट इनकम प्रूफ का कार्ड दिया है। लिमिट की बात करो तो 5-5 लाख तक का लिमिट उन्होंने दिया है विदाउट किसी वेरिफिकेशन का। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा काम किया। बट अब लोगों को FD वाले कार्ड की बात आ रही है कि आप FD करवा लो, आपको कार्ड मिले वाला है। अब यहाँ पे सवाल आ चुका है कि ये जो पार्टनर आ चुके हैं इनके फेडरल बैंक की तरफ से, तो क्या इनके तरफ से कुछ अच्छी खबर मिलेगी। देखिए, जो अलग अलग लैंडिंग पार्टनर आते हैं तो उनकी जो सोच विचार होती है वो भी अलग अलग होती है। अब जो कस्टमर को IDFC फर्स्ट बैंक ने पहले से कार्ड दे दिया कि अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को और प्रमोट करने के लिए, मार्केट में रन करने के लिए, तो उसी तरीके से फेडरल बैंक भी कर सकता है। तो अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है, अगर आपका सिविल अच्छा है, देखो ये सिविल बेस पे दे रहे थे, तो अगर आपका सिविल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक हाई सिविल आपके पास अगर जनरेट हुआ है, तो इसके बिहा पे आपको बहुत जल्दी कार्ड देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट ऐसी कोई बात नहीं, डायरेक्टली आपका अप्रूवल होगा, क्योंकि इनके जो पार्टनर हैं वो चेंज हो चुके हैं। देखो, अभी इनके पार्टनर IDFC फर्स्ट बैंक भी हैं और ये भी आ चुके हैं। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा कि आपका से जिन लोग का काफ़ी समय से वेटिंग लिस्ट था, अप्रूव नहीं हो रहा था, उनको वन कार्ड कंपनी बोलती थी आप FD करवा लो, तो अभी जो लैंडिंग पार्टनर आए हैं तो इनके बिहाव पे आप लोगों को कार्ड मिलने का थोड़ा उम्मीद बढ़ चुका है। उम्मीद इसलिए बढ़ चुका है कि आपको पता है कि जब कोई अगर मार्केट में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, तो शुरू शुरू में अगर कस्टमर को अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगा, थोड़ा से लोगों को अपने तरफ बुलाएगा नहीं, तो कैसे काम चलेगा। आप देखते हैं कोई नया बैंक का उद्घाटन होता है किसी भी एरिया में या किसी भी माहौल में या किसी भी क्षेत्र में, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे आपसे ज़्यादा जो है डॉक्यूमेंट का डिमांड नहीं होता है। मैंने भी अपने टाइम में करीबन आज से 7-8 साल पहले एक अकाउंट खुलवाया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो जब उस टाइम मैं बैंक में गया तो मुझसे ओनली पैन कार्ड आधार कार्ड पे तो खुल गया, बाकी उसके 2 साल बाद से जब लोग जाने लगे तो वहाँ पे डिमांड किया कि लाइट का बिल लेकर आओ, गैस का बिल लेकर आओ। अब जिसके पास नहीं हो कहाँ से देगा, अब लोग परेशान हो गए। तो शुरू शुरू में जो बैंक होती हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं मांग करती हैं, क्योंकि भाई उनको कस्टमर को अपने तरफ आकर्षित करना है, अधिक कस्टमर बनाना है, उनका एक टारगेट भी रहता है कि हम इस एरिया से इतना कस्टमर जनरेट कर चुके हैं। तो फेडरल बैंक कैसा काम करता है आपको पता ही होगा। तो कार्ड आपको जरूर मिलने का उम्मीद है, बट कब तक मिलेगा ये टाइमिंग तो नहीं दूंगा, बट इन्होंने ये बातें क्लियर कर दिया है कि हम जो है इनके संग पार्टनर कर चुके हैं। आज है 22 सितंबर और आज ही इनका अनाउंसमेंट हुआ है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत अच्छी खबर है, मुझे अच्छा लगा सुन के। आप बताओ क्या आप भी वन कार्ड से हैप्पी हैं या नहीं है, कमेंट में बताना। एक रिक्वेस्ट आपसे और करूंगा कि अगर आपको वन कार्ड FD बेस पे लेना है तो मत लेना, मेरी खुद की सलाह है। रीजन ये है, कोई कस्टमर केयर सर्विस नहीं है। आप ईमेल करो, रिप्लाई आएगा तो ठीक है, नहीं तो बाबा। तो प्लीज़ अगर आपको FD कार्ड लेना है तो बैंक से लीजिए। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना। दोस्तों, मैं आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।